हेलो गाइस, मेरा नाम राशिद अली है। मेरे स्मार्ट कार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आयशर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को किस तरीके से आयशर की गाड़ी का चेक करना चाहिए। तो ये आयशर की गाड़ी है और आज हम इस गाड़ी का कम्प्लीटली फंक्शन चेक करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके से ऑपरेट होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं इसके अंदर, तो हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आज। तो जैसे इसमें ये स्विचेस बटन दिए हैं, इन बटन की मदद से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बहुत सारा डेटा लेने वाले हैं। जैसे कि गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, करंट कोड और एक्टिव कोड, इनएक्टिव कोड क्लियर करना है, डायग्नोसिस, बहुत सारे मेन्यूज के अंदर हैं जो कि हम आपको वन बाय वन करके एक करके आपको हम चेक कराते हैं। सबसे पहले इसमें इतने ये मेन्यू में आप चेक करेंगे डायग्नोसिस, ड्राइवर सेटिंग, पासवर्ड, मेंटेनेंस, फ्यूल, कोचिंग, और इस वाले बटन से आप जो है नीचे की तरफ करते रहेंगे, जिसको बोलते हैं गेज हो गया, अपना फ्यूल डाटा हो गया, डिस्प्ले हो गया, अपना सेट रिसेट हो गया, व्हीकल्स मैसेज हो गया, और अपना डायग्नोस्टिक हो गया, यानी कि गाड़ी के एरर कोड, गाड़ी में क्या फॉल्ट है वो आप यहां से देख सकते हैं। ड्राइवर सेटिंग्स हो गया, पासवर्ड को चेंज करने का हो गया, गाड़ी के मेंटेनेंस की इन्फॉर्मेशन यहां मिलेगी, फ्यूल कोचिंग आपको यहां पर मिलेगी देखने के लिए। तो इसमें जो अगर हम बात करें, 10 इसमें मेन्यू दिए गए हैं, लेकिन हम वन बाई वन करके आपको हम चेक कराते हैं। सबसे पहले गेज का है, तो ये इंटर बटन हो गया, इसको इंटर को हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे गेज की इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलती रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे प्रेशर का आगे प्रेशर का है, इधर आपका फ्यूल ऑयल इंजन ऑयल प्रेशर रहेगा, कितना इंजन ऑयल का प्रेशर है, यहाँ पर इंजन ऑयल लेवल रहता है, और इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर का आप इधर देख रहे हैं शो कर रहा है यहाँ पे, और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अपना गैजेस देख लीजिए कि यहाँ पे कितना इंजन का आवर जो है, इंजन आवर्स कितना चल चुका है इंजन इसका, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एवरेज का आ रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट है, या 48% इसमें ग्रेडिबिलिटी दिखा रहा है। तो अभी ये इतना इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। गैजेस में आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, बैक करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, उसके बाद आप फ्यूल डेटा चेक कर सकते हैं, इंटर करके फ्यूल डेटा में आप ये चेक कर सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये एवरेज दे रहा है, ये किलो ट्रिप किलोमीटर इसमें शो कर रहा है, कितने किलोमीटर ये गाड़ी और चल सकती है, और यहाँ पे 8.9 लीटर इसमें कंजप्शन हुआ है, इसने खाया है मतलब डीजल, और 2.69 किलोमीटर में, तो ये इसकी जो है ऑडो किलोमीटर की अपना इन्फॉर्मेशन आपको इधर देखने को मिलेगी फ्यूल डेटा में। यहाँ पे डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप डिस्प्ले सेटिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बार है गया, बैक मतलब जो ब्राइटनेस को कितना ज़्यादा है, कितना कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है, वो आप प्लस माइनस से भी करके कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें अपने सेट वैल्यूज़ में, आपका सेट वैल्यूज़ में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्लॉक डेटा सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, रिसेट ट्रिप डेटा कर सकते हैं, रिसेट फ्यूल डाटा कर सकते हैं, जो कि गाड़ी का ट्रिप कितने किलोमीटर, गाड़ी कितने किलोमीटर ट्रिप में गई है, कितने किलोमीटर से आई है, वो सब आप रिसेट यानी कि जीरो जीरो कर सकते हैं। तो आप यहाँ ये सेटिंग्स में जाने के बाद आप इनको ज़ीरो कर सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे व्हीकल मैसेज में, व्हीकल मैसेज में क्या है कि गाड़ी में जो भी फॉल्ट कोड आता है, गाड़ी में कोई भी फेलियर्स आता है, उस फेलियर्स की इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में शो करता है। तभी देखते हैं कि ये क्या मैसेज दे रहा है गाड़ी में। तो इसमें लिखा है इंजन सिस्टम मॉल फंक्शनिंग, विजिट द वर्कशॉप, यानी कि इस गाड़ी, ये गाड़ी हमारे पास में रिपेयरिंग के लिए आया है, इसके अंदर कुछ गाड़ी में एक्सेलरेशन ड्रॉप करने के प्रॉब्लम्स है, तो वो हम लोग देखेंगे कि आखिर इस गाड़ी में फॉल्ट क्या आया है गाड़ी के अंदर। अभी गाड़ी का मैसेज में आपको इतना सारा मिल गया है कि मैसेज है, और ड्राइवर के लिए ये मैसेज होता है, और यहाँ पर डायग्नोस्टिक में हम लोग जो चेक करेंगे कि गाड़ी में फॉल्ट क्या है, तो हम यहाँ पर डायग्नोस्टिक में जाएंगे, यहाँ पर सेल्फ टेस्ट करेंगे। तो सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, सेल्फ टेस्ट में हम लोग इसमें ऑप्शन आएगा टेल, मतलब कि जो डिस्प्ले की लाइटें हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो डिस्प्ले की लाइटें देख लीजिए कि प्रॉपर वे में वर्क, मतलब डिस्प्ले की जो लाइट, जो इंडिकेशंस हैं वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर इंडिकेशन वर्किंग कर रहे हैं, तो इससे हम देख जाएंगे। उसके बाद हम गेज चेक कर सकते, जो मीटर्स हैं मीटर, वो ये मीटर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये इसके सारे मीटर्स जो हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग डिस्प्ले टेस्ट में जाएंगे।
तो यहाँ पर डिस्प्ले टेस्ट की डिस्प्ले की लाइट्स जलेगी और कम होगी, ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी उसमें। तो यहाँ पर हम वापस जाएंगे, साउंड टेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कोई भी फेलियर्स आता है, कूलिंग टेम्परेचर हाई होता है या इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है या अपना इंजन ओवर रनिंग होता है तो उसमें साउंड आना चाहिए। लेकिन अगर साउंड आ रही है या नहीं आ रही, उसका बजर ख़राब है या सही है, तो उसको आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हज़ार्ड का यानी कि चारों इंडिकेटर जब जलेंगे तो उस समय इंफॉर्मेशन, ये ओवर जब इंजन ओवर रन हो जाएगा उस समय ये साउंड आएगा, पार्किंग ब्रेक में ये साउंड आएगा और स्टॉप में ये साउंड आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमने साउंड टेस्ट किया है। तो अभी हम लोग क्या है, वापस जाते हैं इधर और यहाँ पर हमने पार्ट नंबर यानी कि जो ECU लगे हैं गाड़ी के अंदर, दो ECU, एक ये खुद भी एक ECU है INS और एक इंजन ECU, उसको ECDC भी बोलते हैं और ECM भी बोलते हैं और ECU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। तो आप उसका पार्ट नंबर्स वगैरह अगर चाहिए होंगे तो उधर से आप ये यहाँ से पार्ट नंबर्स ले सकते हैं कि अगर ECU में कोई फेलियर्स हो गया या ECU ख़राब हो गया तो आपको पार्ट नंबर्स नहीं मिल रहा है उसके टैग के ऊपर, तो यहाँ से भी ECU का पार्ट नंबर्स ले सकते हैं आपको। ये ECU है या INS, इसका भी पार्ट नंबर आप यहाँ से ही ले सकते हैं, जैसे कि मैंने EMS का लिया है। अभी हम लोग पार्ट्स पैरामीटर सेटिंग्स में जाएंगे। पैरामीटर सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, ECU के पैरामीटर सेट कर सकते हैं, इंजन इसके जो अपने ऑडो किलोमीटर से उसको बढ़ा सकते हैं, आवर्स को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये पैरामीटर्स के कुछ डिजिट दिए हैं जिसको सेटिंग्स करने के लिए यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी सेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल पोजीशन पे ही सारी ऑलरेडी सेटिंग हुआ हुआ है, जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप सेटिंग करेंगे। और कम्प्लीटली वीडियो को देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको कम्प्लीटली डिस्प्ले के एक एक पॉइंट्स टू पॉइंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करें, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक आपको हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर रीड फॉल्ट कोड यानी कि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डिस्प्ले का और ड्राइवर्स के लिए और टेक्नीशियंस के लिए, बहुत क्विकली गाड़ी के फॉल्ट कोड को रीड करने के लिए विदाउट डायग्नोसिस टूल का यूज़ कर बिना यूज़ किए आप इस फॉल्ट कोड को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रीड में जाएंगे, यहाँ पर EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या फॉल्ट कोड है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इतने सारे फॉल्ट कोड इसमें दिखा रहे हैं, इनएक्टिव 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 और एक्टिव। अगर ज़्यादातर ये वाला कोड आता P0191 का 64 मतलब 64 टाइम ये कोड आया है इसके अंदर और P0016 76 टाइम आया, लेकिन ये इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि गाड़ी अभी ऑफ कंडीशन में है, लेकिन ये एक्टिव कोड है तो यहाँ पे फ्यूल पंप का प्रॉब्लम आता है। जब फ्यूल पंप के अंदर प्रेशर रिलीव वाल्व होते हैं फ्यूल पंप के अंदर, या वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते हैं, प्रेशर को प्रॉपर बिल्डअप नहीं करते हैं या प्रेशर को ज़्यादा बिल्डअप करते हैं, उस कंडीशन में ये कोड क्रिएट होता है। तो इसके अंदर एक रिपेयर किट होती है, वो चेंज करना होती है, जो कि फ्यूल सिस्टम वाले चेंज करते हैं बॉश कंपनी के, जिस कंपनी का भी ये फ्यूल सिस्टम लगा होगा। तो अभी हम लोग क्या है, ये फॉल्ट कोड मिल गए हैं, फॉल्ट कोड को अब फॉल्ट कोड को क्लियर करने के लिए यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर आप EMS के फॉल्ट कोड क्लियर कर सकते हैं। यहाँ ऑल द इनएक्टिव फॉल्ट कोड मतलब इसमें जो कोड क्रिएट होंगे वो इनएक्टिव ही वाले क्लियर होंगे, तो इनएक्टिव फॉल्ट कोड क्लियर हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से वापस जाके एक बार फिर दोबारा से रीड करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिव, अभी ये एक्टिव वाला कोड इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव में ये कोड आ रहा है P2BAE00 इनएक्टिव, अभी ये कोड इनएक्टिव है जो कि गाड़ी में ये कोड क्रिएट हो रहा है अपने आप से। तो जब सबसे पहले जो कोड हमने बताया था P0191 का जो कोड था गाड़ी के अंदर, वो कोड के अंदर फ्यूल पंप का ही प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से वो कोड एक्टिव में था और हमने उसका फोटो भी ले लिया था ताकि आप कोड को क्लियर करेंगे तो दोबारा से हम लोग रीड कर सकते हैं, गाड़ी के फॉल्ट को प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में हमें ये मदद करेगा। तो यहाँ पर फॉल्ट कोड हमने क्लियर कर दिया है और यहाँ पे विन नंबर होता है जो कि गाड़ी के चेसिस नंबर को चेंज कर डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर। और ये सेल्फ टेस्ट हो गया, बाकी ऑलरेडी सारा ये इसका डायग्नोसिस में हो गया। यहाँ ड्राइवर सेटिंग्स हो गया, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप इसमें जो हमने पासवर्ड डाला था इसका, मेंटेनेंस देख सकते हैं, फ्यूल कोचिंग देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये 10 मेन्यूज़ हैं, जो 10 मेन्यूज़ का इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसमें बता दिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे से कुछ भी आपको पूछना है कोई भी गाड़ी के फॉल्ट कोड के बारे में, फॉल्ट के बारे में, या मैकेनिकल फॉल्ट हो या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो या गाड़ी में माइलेज के रिकॉर्डिंग्स हो या टायर वियर के रिकॉर्डिंग्स हो, गाड़ी में किसी भी रिकॉर्डिंग कुछ भी फॉल्ट आपको मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है अपना टेलीग्राम का, आप वहाँ पे आप लिंक पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मैसेज करके अपना जो भी गाड़ी में क्यूरियस जो भी फेलियर्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।